आज धनतेरस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त घर के बाहर हूँ, सजावट शुरू हो चुकी है और यूं कहें कि दिवाली की शुरुआत आज से ही हो गई है। लेकिन क्या महंगाई ने दिवाली का बजट बिगाड़ दिया है? इस बारे में हम जानेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली से और उनसे हम जाके बातचीत करेंगे कि कितना असर पड़ा है हमसे। घर की लगता है गृहिणी ने दरवाजा खोला है। क्या नाम है आपका? शिखा, मेरा नाम शिखा शिखा जी, ये बताइए कि आज धनतेरस का दिन है, महंगाई का असर कितना पड़ा है आपकी दिवाली पर और कितनी डिफरेंट रहेगी ये दिवाली आपके लिए? महंगाई का असर तो डेफिनेटली मेरी त्योहार पर पड़ा ही है, और स्पेशली क्योंकि किचन से त्योहार शुरू होता है तो मेरी किचन पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। त्योहार पर कुछ बनाना है, कुछ करना है, हर चीज महंगी है। आप देखिए, तेल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सभी चीज महंगी है। लेकिन अब सोना सस्ता हुआ है, मैंने सोचा था कि सोने का कुछ लूंगी, तो वो बजट मेरा जो किचन में एडजस्ट हो गया, तो इसलिए मैं वो भी नहीं ले पा रही इस बार धनतेरस के दिन। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ है उनका दर्द आपने सुना। उन्होंने बातों बातों में सोने का जिक्र जरूर किया। सोना वो चीज़ है जो भारतीय नारी की सबसे फेवरेट होती है और जिसको दिलाने की जिम्मेदारी होती है घर के हेड ऑफ द फैमिली पर। क्या नाम है आपका? रोहित श्रीवास्तव। रोहित, ये बताइए कि आपकी वाइफ ने बोला कि हमारा बजट गड़बड़ा गया है, क्या आपको कितना तकलीफ होती है इस बात से? क्योंकि बच्चे हैं, वाइफ है, आप पूरे साल इंतजार करते थे दिवाली आएगी, हम क्या क्या तैयारियां करेंगे। कितना असर पड़ा है आपकी दिवाली की तैयारियों पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बेसिकली वाकई इतने खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि सोना तो जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मैं और धनतेरस तो एक शगुन भी होता है। मैं भी चाहता था कुछ खरीदूं, खरीद के दूं, लेकिन क्या करें, मतलब वाकई जो बजट है वो किचन में इस्तेमाल हुआ जा रहा है। जो बजट है वो किचन में इस्तेमाल हो रहा है, पेट देखें या फिर बाकी चीज़ें। हमारे साथ घर के बच्चे भी हैं, उनसे जानेंगे। आपके पापा और मम्मी से आपने जो डिमांड्स रखी, पटाखे फेवरेट होते हैं बच्चों के, ड्रेसेस, तो वो पूरी हुई हैं आपकी? नहीं, हम बहुत थोड़े से पटाखे लाए इस बार, हर बार की तरह ज़्यादा नहीं लाए, और हर बार की तरह ड्रेसेस भी नहीं ली, सिर्फ एक ही मिली दिवाली के लिए, वरना ज़्यादा मिलती हैं। देखिए, पटाखे की बात से तो मुझे खुशी हुई, कम पटाखे लिए, प्रदूषण कम होगा। लेकिन ड्रेसेस का एक जो इन्होंने कंप्लेंट करी है उससे, उसके बारे में मैं इनके छोटे भाई से जानूंगा। आपकी दीदी कह रही है कि हमें ड्रेसेस भी नहीं मिले हैं, पटाखे भी कम मिले हैं, तो गिफ्ट्स कम मिले हैं इस बार, तो इसका कितना दुख है? और आपने क्या डिमांड्स रखी थी पापा के सामने? दुख है कि हमको है ना इस बार कम गिफ्ट मिले, क्योंकि हमको हर दिवाली में ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इस बार हमने डिमांड भी रखी थी पापा के सामने कि हमको एक नई वॉच दे दीजिए, या फिर बड़े ज़्यादा पटाखे या अच्छी ड्रेस दे दीजिए, तो वो हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। बच्चों की डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन बात सिर्फ कपड़े और मिठाइयों तक ही सीमित नहीं है। घर का रंग रोगन भी कराना पड़ता है, घर को अच्छी तरह सजाना भी पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको भी घर में लाना पड़ता है, क्योंकि दिवाली एक मौका होता है खास तौर से धनतेरस के दिन। मैं वापस जाऊंगा रोहित के पास। रोहित, ये बताइए कि मिठाई और कपड़े की बात हमने की, लेकिन इसके अलावा जो घर में बेसिक चीज़ें होती हैं आमतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली में मिलती हैं, उनको खरीदने में, उनको घर तक लाने में आपको कितनी परेशानी हुई इस बार? बेहद परेशानी हो रही है। मेरे बेटे की शिकायत जायज़ है, मैं इसको इस बारी नहीं दिलवा पाया कोई कपड़ा भी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कौन से पे एक को पकड़ो तो दूसरा फिसलता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा फिसल जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। और इंसान की इच्छाएं तो बेलगाम होती हैं, हालांकि यहाँ पे बेलगाम वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में पूरा हुआ जा रहे हैं। मन महसूस कर रह गया है रोहित श्रीवास्तव का परिवार। और बात सिर्फ रोहित श्रीवास्तव की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे और आपकी तरह इस बार महंगाई की मार के शिकार हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ किचन के सामने और यही वो जगह है जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, क्योंकि किचन के बजट ने पूरे दिवाली के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है।